अमरनाथ यात्रा के लिए आज फिर से ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण स्थल पर तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखी गई। आपको बता दें 29 जून से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू हो रही है, जिसके संदर्भ में ऑफलाइन पंजीकरण की आज से शुरुआत हो गई है। रजिस्ट्रेशन का 1000 कोटा आया है, जो लोग 29 को यात्रा करेंगे, 27 को उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, तीनों सेंटर्स में होगी और उसके आधार पे वो 28 सुबह यात्री निवास से निकलेंगे और 29 को वो यात्रा करेंगे पहलगाम से और बालटल से। तो ये सारी जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा सरस्वती धाम है, टोकन सेंटर है, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट कैसे, डॉक्यूमेंट्स का क्या रहेगा, जिसको आना है यात्रियों को, जो भी यात्री आ रहा है वो अपना एक आधार कार्ड लेके आए और उसी आधार कार्ड के आधार पर उसकी जो उसको जो है वो टोकन जो है वो मिलता है। 13 साल से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसको अलाउड नहीं है, या 70 साल से ऊपर किसी की आयु है उसको अलाउड है, या 6 मंथ से ज्यादा कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको यात्रा जो है वो अलाउड नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे लोग आ सकते हैं। और इस आधार के हेल्थ सर्टिफिकेट, जब उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती हैं उस समय हमारी जहाँ तो लोग अपना हेल्थ सर्टिफिकेट पहले करवा के चेकअप करवा के आ सकते हैं, या हमारी टीम जो है वो हर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे बैठी हैं, वहाँ पे वो उनका हेल्थ चेकअप करेंगी और रजिस्ट्रेशन के समय ही उनको हेल्थ सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा।